हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेएफईटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था जेएफईटी की पूरी थ्योरी के बारे में और जेएफईटी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज के बारे में। तो उन फार्मूलेज का यूज हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, फॉर एन एन चैनल जेएफईटी IDSS इक्वल टू 8.7 मिली एम्पियर, VP इक्वल टू -3 वोल्ट, VGS इक्वल टू -1 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस GM। ट्रांसकंडक्टेंस GM की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और ये चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जो आपको पैरामीटर गिवन है IDSS, VP और VGS, तो GM का फॉर्मूला हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। हम जानते हैं ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। और ट्रांसकंडक्टेंस जो GM हमारे पास है वो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला डेल ID डिवाइडेड बाय डेल VGS, मतलब जो ड्रेन करंट है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे VGS के रिस्पेक्ट में। तो ड्रेन करंट हमारे पास ये गिवन है, इसको हम VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी ट्रांसकंडक्टेंस GM की। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल ID डिवाइडेड बाय डेल VGS। जब डेल VGS के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2 IDSS और ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस VGS अपॉन VP इंटू, अब कोष्टक के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस VGS अपॉन VP। इसको डिफरेंशिएट जब VGS के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन VP। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल ID अपॉन डेल VGS को GM। तो GM इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ये माइनस 2 IDSS डिवाइडेड बाई VP और ये कोष्टक में बचेगा 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाय VP। तो ये अल्टीमेट फार्मूला आपके पास निकल के आया ट्रांसकंडक्टेंस GM का। और इसमें जब आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 इंटू IDSS की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8.7 डिवाइडेड बाय VP की वैल्यू हमें पता है -3 और ये हो जाएगा 1 माइनस VGS की वैल्यू गिवन है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई VP की वैल्यू है -3। तो ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो GM की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आएगी 3.87 मिली साइमन। तो ये हमारे पास ट्रांसकंडक्टेंस GM की वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ इन JFET IDSS इक्वल टू 10 मिली एम्पियर एट 50 डिग्री सेल्सियस, देन एट 400 डिग्री सेल्सियस द गेट सेचुरेशन करंट विल बी। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम देख के समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेट करना है IDSS की वैल्यू जब टेम्परेचर की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी है। तो 50 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो IDSS की वैल्यू 10 मिली एम्पियर थी, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज करके 400 डिग्री सेल्सियस किया है तो IDSS की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे IDSS और टेम्परेचर के बीच में हम रिलेशन जानते हैं, जो हमारा IDSS है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T^3/2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, IDSS 1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/T^3/2, सॉरी यहाँ पे T1 होगा क्योंकि यहाँ पे IDSS 1 है। वहीं पे हम दूसरी बात करें IDSS 2 आपका प्रोपोर्शनल होगा 1/T^2/3/2। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा IDSS 1 डिवाइडेड बाई IDSS 2, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 डिवाइडेड बाई T1/3/2। तो यहाँ पे IDSS की वैल्यू हमें गिवन है, यानी IDSS 1 की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय IDSS 2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। T2 टेम्परेचर हमें गिवन है 400 और T1 टेम्परेचर गिवन है 50, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 50 की पावर 3/2 और
यहाँ से आप जो IDSS2 है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 10/400/50^3/2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो IDSS2 की जो वैल्यू है वो आएगी 0.44 mA। इस तरीके से आप IDSS2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और आप यहाँ पर नोटिस करें, 50 डिग्री सेल्सियस पर जो IDSS है उसकी वैल्यू थी 10 mA, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ID की वैल्यू कम होती गई और वैल्यू कम होकर कितनी हो गई 0.44 mA। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, फॉर अ एन चैनल सिलिकॉन FET विथ थिकनेस ऑफ 6 × 10⁻⁴ cm एंड ND इक्वल टू 4 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, द चैनल विड्थ फॉर VGS:VP रेशियो इज गिवन एज 1:3। तो चैनल विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है, हमारे पास VGS और VP का रेशियो हमें गिवन है, चैनल की जो थिकनेस है वो हमें गिवन है और ND की वैल्यू गिवन है। तो हमें ये गिवन पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे हम चैनल विड्थ यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएं। तो VGS और VP के बीच में हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके से था, VGS इक्वल टू VP कोष्टक 1 - B/A का होल स्क्वायर। यहाँ पे B आपका है हाफ चैनल विड्थ जब हमने VGS की वैल्यू अप्लाई की है, और A यहाँ पे आपका डिनोट करता है एक्चुअल हाफ चैनल विड्थ। एक्चुअली यहाँ पे हम 2B और 2A भी लिख सकते थे, लेकिन 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे B/A लिखा है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो इस फार्मूले में हम पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें गिवन है चैनल की थिकनेस, मतलब ए की वैल्यू गिवन है और ND की वैल्यू हमें गिवन है और VGS और VP का रेशियो गिवन है। तो VGS और VP के रेशियो के जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1 - B/A का होल स्क्वायर। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - B/A इक्वल टू 1/3/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - B/A इक्वल टू 1/1.732। तो ये हो जाएगा आपके पास B/A इक्वल टू 1 - 1/1.732। इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये A आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 × 10⁻⁴ और ये हो जाएगा 1 - 1/1.732। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 2.535 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप B की वैल्यू जो कि चैनल की विड्थ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है और डायरेक्ट इनमें वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, कंसीडर अ GFET एज शोन इन फिगर, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द GFET, द डोपिंग लेवल इज 10⁻²⁰ पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज 1500 cm² पर वोल्ट सेकेंड, द डिप्लेशन विड्थ ऑन ईच साइड इज 0.25 μm, देन द ऑन ड्रेन रेजिस्टेंस वुड बी। ऑन ड्रेन रेजिस्टेंस हमें इसमें कैलकुलेट करना है, तो ऑन ड्रेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ड्राइव भी किया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में इसको देख सकते हैं। RD ऑन का जो फॉर्मूला है वो है 1/2B × QND μN × L/W। तो ये हमें एक GFET का साइड व्यू गिवन है, फिगर को देख के हम बता सकते हैं कि दोनों साइड P+ और P+ क्लियर है और बीच में N टाइप का मटेरियल है। तो ये आपका हो जाएगा एक N चैनल GFET। N चैनल GFET में अब चैनल की जो विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी गिवन है, 2 μm, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे 2A। 2A आपकी जो एक्चुअल चैनल की विड्थ है उसको हम डिनोट करते हैं, तो 2A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 μm, ठीक है। और मोबिलिटी हमारे पास गिवन है 1500, यानी μN की वैल्यू हमारे पास गिवन है और डोपिंग लेवल हमें गिवन है, डोपिंग लेवल ये होगा ND क्योंकि ये N चैनल FET है।
तो एन डी की वैल्यू गिवन है, म्यू एन की वैल्यू गिवन है, टू ए की वैल्यू गिवन है, क्यू हम जानते हैं चार्ज, और डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50 माइक्रोमीटर, और लेंथ एल की जो वैल्यू है वो है 25 माइक्रोमीटर। तो एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 25 माइक्रोमीटर। हमें इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2b की। 2b आपकी चैनल की विड्थ है, कब, जब डिप्लेशन लेयर आपकी पेनिट्रेट हो जाएंगी एक दूसरे से। तो यहाँ पे जब कोई भी डिप्लेशन लेयर नहीं है तब जो चैनल विड्थ है वो है 2 माइक्रोमीटर, जो कि है 2a की वैल्यू। जब यहाँ पे आपकी डिप्लेशन विड्थ आ जाएगी दोनों साइड में कुछ इस तरीके से, और फिर इनके बीच की जो विड्थ होगी उसको हम डिनोट करते हैं 2b से। तो यहाँ पे एक और चीज हमें गिवन है डिप्लेशन विड्थ की साइज। तो डिप्लेशन विड्थ गिवन है ईच साइड इज 0.25 माइक्रोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो साइज है वो 0.25 माइक्रोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो साइज है वो 0.25 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे हम 2b कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 2b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2a जो कि एक्चुअल चैनल विड्थ है उसमें से अगर हम दोनों साइड की डिप्लेशन विड्थ को माइनस कर दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर हम 2a की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं तो 2b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2a, 2a मतलब 2 माइक्रोमीटर माइनस 2 इंटू ईच साइड डिप्लेशन विड्थ। ईच साइड की जो डिप्लेशन विड्थ है वो हमारे पास गिवन है 0.25। तो यहाँ से जो 2b की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, 1.5 माइक्रोमीटर। 2b की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अब ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हम आरडी ऑन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आरडी ऑन है उसकी वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 1/2b। 2b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1.5 माइक्रोमीटर। तो 1.5 माइक्रोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 10^-6 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10^-19 कूलाम, इंटू एनडी, एनडी आपका क्या है डोपिंग लेवल, तो डोपिंग लेवल हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10^20 / 10^-6। 10^-6 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आपका डिनोमिनेटर में है, और सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10^-2, और सेंटीमीटर का क्यूब है तो 10^-2 का क्यूब हो जाएगा फाइनली आपके पास 10^-6 इंटू म्यू एन। म्यू एन की वैल्यू कितनी गिवन है 1500, तो 1500 ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10^-4 इंटू लेंथ अपॉन विड्थ, यानी 25/50। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आर डी ऑन की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे 0.139 ओम। तो इस तरीके से आप ड्रेन रेजिस्टेंस आर डी ऑन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप इनको ड्राइव करना देख सकते हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, फॉर एन एन चैनल सिलिकॉन JFET विथ डोनर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10^21 कैरियर्स पर मीटर क्यूब एंड ए इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर एज्यूमिंग एप्सिलॉन आर इक्वल टू 11.8 फॉर सिलिकॉन, कैलकुलेट पिंच ऑफ वोल्टेज VP। यहाँ पे हमें पिंच ऑफ वोल्टेज VP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऑप्शन हमारे पास ये गिवन है। तो क्वेश्चन को देख के हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि जिससे पिंच ऑफ वोल्टेज VP की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, A हम जानते हैं हाफ चैनल विड्थ होती है, और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास गिवन है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो होता है NdQ A²/2εo εr। इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू पुट करके VP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VP की वैल्यू हो जाएगी ND आपके पास कितना गिवन है 10^21 इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19 इंटू A²। A की वैल्यू हमें गिवन है माइक्रोमीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 × 10^-6 ये मीटर में कन्वर्ट हो गई, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 इंटू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड पर मीटर। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखनी चाहिए। और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है यहाँ पे 11.8। तो ये सारी वैल्यू हमने इसमें पुट की और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वीपी की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी आपके पास 12.26 वोल्ट। ये होगी आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी की वैल्यू। यहाँ पे ऑप्शन देख के आप देखिए 12.26 एक ऑप्शन गिवन है और सी में हमारे पास है -12.26। अब इन दोनों ऑप्शन में हमारे पास कंफ्यूजन है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप एन चैनल सिलिकॉन जीएफईटी की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि एन चैनल सिलिकॉन जीएफईटी के लिए जो पिंच ऑफ वोल्टेज होगा वो होगा आपका नेगेटिव में। तो जो पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास -12.26 वोल्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है, एन चैनल की जब भी बात होगी वहां पर पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है हाफ चैनल विड्थ फॉर VGS इक्वल टू 1/4 VP। VGS और VP का रेशियो हमें गिवन है 1/4, हमें कैलकुलेट करनी है हाफ चैनल विड्थ। तो VGS और VP के फॉर्म में हम फार्मूला जानते हैं, VGS इक्वल टू VP 1-B/A का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, VGS डिवाइडेड बाई VP इक्वल टू 1-B/A का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम फर्दर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास VGS डिवाइडेड बाई VP की पावर 1/2 इक्वल टू 1-B/A। यहाँ इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाफ चैनल विड्थ हमें कैलकुलेट करना है, यानी B की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। A की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं B/A इक्वल टू 1-VGS डिवाइडेड बाई VP की पावर 1/2। इसको हम फर्दर और सॉल्व करेंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा आपके पास A कोष्टक 1-VGS डिवाइडेड बाई VP की पावर 1/2। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 माइक्रोमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और 1-VGS/VP। तो VGS/VP का रेशियो हमारे पास कितना गिवन है, 1/4, इसकी पावर है 1/2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुए जीएफईटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलेज जितने भी अभी तक डिस्कस किए थे वो सारे यहाँ पे यूज किए हैं। तो इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो के साथ ही आपका जो जीएफईटी टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉसफेट के टॉपिक से। या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।